हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन सारथी। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्रिलिक एंड पॉलिस्टर। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक के टाइप्स एंड मोर अबाउट प्लास्टिक। सो बिना किसी देरी के लिए शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो प्लास्टिक्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इन प्लास्टिक्स। ओके, जैसे अरेंजमेंट्स होते हैं तो प्लास्टिक के भी दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, एक लीनियर और एक क्रॉस लिंक्ड। सो लीनियर वाला अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब एक सिंगल लाइन में ही ब्लॉक्स जुड़ते जाते हैं। और क्रॉस लिंक्ड वाला होता है कुछ ऐसा। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, ये होता है क्रॉस लिंक और ये होता है लीनियर। सो एंड नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स आर अवेलेबल इन ऑल शेप्स एंड साइज। कि प्लास्टिक हर किसी शेप में और साइज में अवेलेबल होता है। और हमने भी देखा है कि छोटे से लेकर बड़ी चीज़ तक हर किसी में प्लास्टिक यूज होता है। प्लास्टिक इज वेरी यू नो यूजफुल नाउ डेज। एंड नेक्स्ट इज प्लास्टिक इज मोल्डेबल, सो इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक मोल्डेबल होता है, मोल्डेबल मतलब कि उसे कैसा भी हम जैसा चाहें वैसा बेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं, किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। अगर हम चाहें प्लास्टिक को एक फ्लावर शेप देना तो हम फ्लावर शेप भी उसे दे सकते हैं। अगर स्क्वायर देना चाहें स्क्वायर दे सकते हैं। सो मतलब वो मोल्डेबल होता है। एंड नेक्स्ट इज इट कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। उसे एक तो हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं यानी कि दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, और कलर उसमें हम कलर कर सकते हैं और मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, रोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं शीट्स में और उसकी वायर्स बना सकते हैं। पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट, EX यहाँ पे एग्जाम्पल है ऑफ इट। पॉली मीन्स पॉली प्लस एथीन को मिला के हमारा ये जो वर्ड पॉलीथीन बना है। एंड पॉलीथीन इज अ कॉमन यू नो कॉमन नाउडेज कॉमन वी यूज पॉलीथीन बैग्स बट इट्स हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट सो यूज लेस अमाउंट ऑफ दिस। सो सच प्लास्टिक्स विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। कि वो प्लास्टिक्स जिनको डिफॉर्म किया जा सकता है, मतलब किसी भी शेप में चेंज करा जा सकता है उसकी ओरिजिनल स्टेट से बाय हीटिंग और या बेंड कर दिया जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। एंड थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है पॉलीथीन और पीवीसी। पॉलीथीन के बारे में हमने यू नो लास्ट टॉपिक में पढ़ा। एंड टॉयज़ में यूज़ कर सकते हैं, कॉम्स में, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। और कंटेनर्स की जो कैटेगरी आती है वो आती है थर्मोप्लास्टिक्स में, प्लास्टिक कंटेनर्स की जो कैटेगरी आती है। या सच प्लास्टिक विच वन मोल्डेड वंस कैन बी सॉफन ईजली बाय हीटिंग कॉल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। कि वो प्लास्टिक जिसको एक ही बार में मोल्ड करा जा सकता है और वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं किए जा सकते हीटिंग से, हीट का उस पर कोई असर नहीं होता, उसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल हैं बेकलाइट एंड मेलामाइन। बेकलाइट और मेलामाइन हम सब जानते हैं कि जो बेकलाइट होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। सो इसलिए उसे हम स्विचेस और यू नो इलेक्ट्रिक आइटम्स या हीट रेजिस्टेंस आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं। एंड मेलामाइन एक वर्सटाइल मटीरियल होता है जो किचन वेयर्स में, कुकरीज में और यू नो उसमें यूज़ करा जाता है बेकिंग के चीज़ों में। सो ये वाला आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट। अ मटीरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। कि जो मटीरियल डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा और या उसमें कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल
एंड अ मटीरियल विच इज नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस. और जो मटीरियल डिकम्पोज नहीं होता है नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा उसे ही हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल. प्लास्टिक्स टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली. ये प्लास्टिक बहुत साल लेता है डिकम्पोज होने में और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होता है. इट कॉजेज इन्वायरमेंट पोल्यूशन, उससे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. और द बर्निंग प्रोसेस द सिंथेटिक मटीरियल, वो कोई भी टाइप का सिंथेटिक मटीरियल होगा वो क्वाइट स्लो होता है बर्निंग प्रोसेस में, मतलब बहुत धीरे धीरे उसकी बर्निंग प्रोसेस होती है और इसलिए वो ना तो कभी इजीली बर्न हो पाता है या पूरा बर्न नहीं हो पाता है, और जिससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी होता है और वो लॉट्स ऑफ पॉइनस गैस भी छोड़ता है जब वो जलता है. अगर आपने देखा होगा कि आप कभी भी कोई पॉलीथिन को जलाते हैं तो उससे काला काला धुआं निकलता है और एंड में उसका थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है. तो यही इस लाइन का भी मीन है कि जो बर्निंग प्रोसेस सिंथेटिक मटीरियल में बहुत ज़्यादा स्लो होता है. फोर आर्स के बारे में हम जानते हैं, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल एंड रिकवर. एंड एक चीज़ है कि वी हैव टू यूज़ अ जूट बैग और अ क्लोथ बैग इंस्टीड ऑफ अ प्लास्टिक बैग, बिकॉज प्लास्टिक एक सिंगल यूज़ होता है जिसका मतलब यूज़ करने के बाद उसे फेंकना पड़ता है. इसलिए हमें एक जूट बैग और क्लोथ बैग हमेशा अपने साथ ले जाना चाहिए अगर हमें कोई भी शॉपिंग करनी है तो. आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई है तो लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में.